हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं के पिसंत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में आप सभी ने देखा था दोस्तों, प्रतापपुर से लेकर ब्रह्मपुरी तक। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ब्रह्मपुरी स्टेशन पे क्या क्या काम चल रहा है। दोस्तों देख सकते हो, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, जिस पर 50% काम कंप्लीट हो चुका है, 50% अभी बचा हुआ है। और एक साइड, दूसरी साइड का दोस्तों ब्रह्मपुरी का एंट्री एग्जिट पॉइंट है, उसका फाउंडेशन का काम किया जा रहा है अभी इस टाइम पे। वो भी आप लोगों को अगली अपडेट में मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। और ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग करके साइडों से और उनका फ्लोर वर्क कर दिया जा चुका है दोस्तों। आगे ये जा रहा है मेरठ सेंट्रल के लिए, तो उधर की साइड में चलेंगे दोस्तों। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर। दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से यह ब्रह्मपुरी स्टेशन बनाया गया है दोस्तों। इस पर मेरठ मेट्रो ही रुका करेगी दोस्तों, नमो भारत ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ये सीधी निकल जाया करेगी। आगे आप लोगों को बता दूं कि मेरठ सेंट्रल में अंडरग्राउंड हो जाती है दोस्तों, जो कि निकलेगी जाकर बेगमपुर में जाकर। तो उधर का तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं सकता, बाहर बाहर का ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ऊपर ऊपर से ही। तो देखते हैं चल के उधर भी कितना काम हो चुका है, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहो आप लोग एंड तक और चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप लोगों को। देख सकते हो ये साइडों से आई गटर लगा दिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पब्लिक चढ़ेगी उतरेगी तो ये एज आ फुटओवर ब्रिज, फुटओवर समझ लो, तो इसलिए यहाँ पर ये साइडों से गटर लॉन्चिंग की गई है दोस्तों। अब इस पर फ्लोर वर्क कर दिया जाएगा। तो जो भी काम चल रहा है दोस्तों, वो मेरठ के अंदर ही चल रहा है और बाकी तो सारा काम खत्म हो चुका है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे ये नीचे होती चली जाएगी और ये आगे जाके अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो देख सकते हो सारे पिलर छोटे होते चले जा रहे हैं और आगे ये अंडरग्राउंड सेक्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और दिखाऊंगा अभी आगे चल के कि किस तरीके से अंडरग्राउंड हो गई है और अंडरग्राउंड क्या काम चल रहा है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे चल के दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो देख सकते हो ये साइडों से ये बाल बनाई गई हैं और बाल के ऊपर दोस्तों पैरा फिटबॉल के ऊपर देख सकते हो इन्होंने रेलिंग लगाई है। और रेलिंग में भी भाई साहब इस तरीके से वो धारदार वो हैं वो लगाई गई हैं जालियाँ, देख सकते हो ये अभी भी लगाई जा रही हैं ताकि यहाँ से कोई कूदा फांदी ना कर सके, इस वजह से ये जालियाँ लगाई हैं। और भाई साहब दीवार भी आप लोगों को बता दूं कि सारे में ही लोहा लोहा है और कंक्रीट भरा हुआ है, इतनी मजबूत बाल है क्या ही बताएं आपको। पिछले वीडियोस में आप लोग देखना जाके कि किस तरीके से ये बाल बनाई गई थी, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखाता और बताता रहता हूं दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते चल के। देखो अभी ये सेटिंग लगी हुई है और ये इनको रेलिंग लगाने का ही काम चल रहा है, बाल बन गई हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जब इन्होंने ये टनल बनाना स्टार्ट किया था तो उससे पहले लोहे के पिलर गाड़े जाते हैं, तो उनको अब लोहे के पिलर को निकालने का काम किया जा रहा है। वो किस तरीके से निकाले जा रहे हैं चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं चल के आगे कि किस तरीके से उन लोहे के गाटरों को निकाला जाता है दोस्तों। काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, करीब होंगे वो कितने 20-30 फुट के होंगे और जो ज़मीन में इतनी सालों से गड़े हुए हैं भाई, 2-3 साल से अंदर, तो अब वो तो उनमें जंग पकड़ गया है तो इस वजह से उनमें जंग तो लगी जाएगा, तो वो ज़मीन में मतलब पकड़ बना चुके हैं। तो उनको किस तरीके से निकाला जाता है चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे चल के। तो बने रहो आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत के चैनल पर। देखो यहाँ से ये सारे अंडरग्राउंड टनल बन रही है, जो इसका फ्लोर वर्क था वो भी किया जा रहा है। फ्लोर वर्क करने के बाद में दोस्तों अब फिर मिट्टी निकालते जा रहे हैं, तो यही काम चल रहा है यहाँ पर मेरठ सेंट्रल के अंदर दोस्तों। जो स्टेशन होने वाला वो अंडरग्राउंड है, तो इसमें मेरठ के अंदर 3 स्टेशन है दोस्तों जो कि अंडरग्राउंड होंगे ज़मीन के अंदर दोस्तों। तो वो भी आप लोग देखो कुछ इस तरीके से ये टनल बनाई गई है जिस पर फ्लोर वर्क हो गया है। इधर की साइड में देखो ये मिट्टी निकाल रहे हैं और आप लोगों को बता दूं कि पहले फ्लोर वर्क कर देते हैं उसके बाद में ये मिट्टी निकाली जाती है। तो अभी ये ट्रैक बनाया जाएगा, तो ट्रैक भी जब बनाई नहीं है तो देखो देखो इस तरीके से ये निकाले जाते हैं, जो बीम लगाए गए साइडों से देखो ये निकालने का काम किया जा रहा है। ये सारे निकाले जाएंगे ऊपर को, मतलब खींचा जा रहा है इनको गाटरों को, और खींचने के बाद में तो ये क्लियर हो जाएगा और फिर इसकी
बाल बना दी जाएगी। और आगे स्टेशन देखने के लिए मिले, देखो ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है, इसके नीचे ही है स्टेशन दोस्तों RRTS का अंडरग्राउंड। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखो KP संत के चैनल पर, मैं लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस आप सभी देखते रहो दोस्तों। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं चल के आप सभी को फुटबॉल चौक। फुटबॉल चौक के ऊपर देखो, फुटबॉल चौक है, उसके नीचे दोस्तों अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होने वाला है, यानी कि नमो भारत ट्रेन का दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे। ये दोस्तों आ चुके हैं वैशाली नगर, RRTS का स्टेशन और मेट्रो स्टेशन भी होने वाला है। और यहीं पर आप लोगों को बता दूं कि कंट्रोल रूम की बिल्डिंग भी बनाई गई है, जो मेरठ मेट्रो को दोस्तों कंट्रोल किया जाएगा, उसकी बिल्डिंग यहां पर बनाई गई है। और जो RRTS की बिल्डिंग बनाई गई है वो बनाई गई है दोस्तों दुहाई डिपो के अंदर। तो देखो दो बिल्डिंग बनाई गई हैं, तो इसी को ही कंट्रोल किया जाएगा। किस तरीके से कंट्रोलिंग सिस्टम किया जाएगा दोस्तों, वो आप लोगों को आने वाले टाइम में पता चलेगा और देखने के लिए भी मिलेगा दोस्तों। तो आगे आप लोग देखिएगा, देखो ये सारा वैशाली नगर है और यहीं पर है बस स्टैंड कहाँ का, मेरठ का दोस्तों। अब अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा मेरठ साउथ में। तो देख सकते हो कंट्रोल रूम बिल्डिंग ये है, जो मेट्रो को ही दोस्तों, जो मतलब कि मेरठ मेट्रो जो चलाई जाएगी उसकी बिल्डिंग ये बनाई गई है, कंट्रोल रूम बिल्डिंग देखो ये बन गई है। तो कंप्लीट हो चुकी है बनके, अब इसका फिनिशिंग का काम किया जाएगा। तो यही काम चल रहा है दोस्तों, और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कहाँ, ये आ चुके हैं हम दोस्तों बेगमपुर। अब बेगमपुर का भी स्टेशन अंडरग्राउंड है, यहाँ पर भी बस स्टैंड है दोस्तों, हर जगह के लिए यहाँ से बस जाती है, यानी कि हापुड़ गजरौला और इधर तुम्हारा हापुड़ इधर साइड में हरिद्वार, ये सारे में ही चली जाती है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हो ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, तो अंदर उधर तो जाने नहीं देंगे, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ ऊपर से ही। आप लोग कहोगे कि दिखाता नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो। तो अभी यहाँ पर भी काम चल रहा है तेज़ी के साथ में, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है बेगमपुर में, अभी स्टेशन की फिनिशिंग का काम चल रहा है दोस्तों नीचे की, और बाकी डेंट पेंट भी किया जाएगा, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर से भी। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, तो जाने की
जब परमिशन मिलेगी तभी उसके अंदर जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकता। तो परमिशन लेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे भी दोस्तों। तो बस आप लोगों से यही की रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। और आप लोगों को अगला वीडियो यहाँ से एंड तक देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इसे देखो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप।